ले याला जैकेट तो नए कपड़े ले ही लूंगा, इतनी दिनों से चड्डी में ही ले लाऊं मैं। अरे हाँ बेटे, आज तो तेरे को एक नया कपड़ा जरूर दिलवा दूंगा मैं। अरे पापा, मेरे को ना आपके जैसा एक पैंट चाहिए। अरे बेटे, ये तो बड़ों लोग के लिए है, तुम्हारे लिए छोटे छोटे क्यूट से पैंट आएंगे। अरे ठीक है यार, कुछ भी दिला दो मेरे को। ओहो, जा रहे हो मार्केट करने, चुपचाप सारे पैसे निकालो मेरे पास। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, तुम लोग हो कौन और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? अरे यार कितना भोला बनता है ये, तुझे दिखता नहीं हम लोग चोर है? जल्दी से सारे पैसे निकाल, नहीं तो तेरी सारी फैमिली को मैं टपका दूंगा। ओए देखो, मेरे पास एक रुपए भी नहीं है, मैं तो खुद उधारी पे शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुप हो जा। अरे कोई तो होगा जो मुझे बचाएगा इन लोगों से, देखो ये लोग मेरे मम्मी पापा को मार ले हैं। अरे यार मुझे जल्दी करनी होगी, लगता है कोई मुसीबत में है। अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पे तो इन लोगों ने सबको मार दिया है। ओए तुझे भी अपनी जान बचानी है तो चुपचाप इधर से निकल जा। अरे बहुत बोलता है तू, तुझे भी मैं बताता हूँ। अरे यार अगर आप जल्दी आ गए होते तो मेरे मम्मी पापा बच गए होते। अरे यार सॉरी बच्चे, किसी रीजन के कारण मैं देर से आया, तुझे मैं रास्ते में बताता हूँ। अभी यहाँ से हम लोग दोनों को जल्दी से जल्दी निकलना होगा। अरे पर हम लोग जा किधर है ये तो बताओ। बच्चे तू मेरे पास पीछे आता रहा। अरे मुझे कहाँ लेकर के आ गए आप, तो बताओ कि इतना भागे क्यों? अरे बच्चे कुछ साल पहले मेरा फाइट रिवर्स फ्लैश के साथ हुआ था और मेरी आधी पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो गई है। अगर वो मुझे ढूंढ लेता तो मुझे वो वही मार देता। उसने मेरी वाइफ को एक ऐसा जहर दिया है जिसके कारण मेरी वाइफ उठ नहीं पा रही है, और उसका एंटीडोट सिर्फ एंटी फ्लैश के पास है, और मैं उससे फाइट नहीं कर सकता जब तक मेरी पूरी पावर मेरे पास वापस नहीं आ जाती। अरे तो मुझे भेज दो ना, मैं उसका हड्डियां पसलियां तोड़ करके आपकी एंटीडोट लेकर के आ जाऊंगा। बच्चे तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, मेरी सारी की सारी पावर तुम संभाल नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि मेरी पावर ले सको तो तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अरे मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं प्रैक्टिस। और गाइस वो छोटा बच्चा रोज अपनी दौड़ने की प्रैक्टिस चालू कर देता है, और इसी तरह देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। अरे अब लगता है कि मैं तैयार हो गया, अब आप मुझे अपने असली पावर दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि आपकी पावर मैं संभाल सकूं। पर बच्चे मेरी पावर लेने के बाद तू 15 साल और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरी पावर तेरे शरीर के पार्टिकल में ऐसे चेंज करेगी जैसे तुम्हारा एज और ज्यादा बढ़ जाए। और तुम्हारे पास बहुत ही कम समय रहेगा जिससे जा करके तुम उसे फाइट करके रिटर्न आ सको। अगर तुम जल्दी नहीं आ पाए तो ये शरीर तुम्हारा हमेशा के लिए वैसा ही हो जाएगा। अरे ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। बच्चे तुम्हारे पास मात्र 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर जाओ और जा करके उसे जल्दी से मार करके वो एंटीडॉट लेकर के आ जाओ। ठीक है मैं जल्दी से जाता हूँ और उसे जा करके मार के तुरंत आता हूँ। अरे गाइस फ्लैश की तो पावर बहुत ही ज्यादा औसम है, देखो मैं पानी में भी चल पा रहा हूँ। अरे पूरी दुनिया मेरे सामने कितनी स्लो हो गई है यार, मैं कितना ज्यादा फास्ट हूँ। गाइस हमारे पास बहुत ही कम समय है तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा उसके अड्डे पे। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस तुम्हारे लाइक से मुझे इतनी पावर मिली कि मैं रिवर्स फ्लैश को आराम से हरा पाऊंगा। ओ गाइस देखो मैं उसके अड्डे पे पहुंच गया, अब जल्दी से रिवर्स फ्लैश को खोजते हैं, उसको ठोकते हैं और गाइस अपना एंटीडोट लेकर के यहां से निकलते हैं। पर गाइस यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा यार, मैं कहां खोजूं उसे? अरे यार फ्लैश ने तो यही एड्रेस बताया था कि वो यहीं पर आएगा, पर गाइस यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा, मैं क्या करूं यार? गाइस मुझे लगता है कि मैं कोई गलत एड्रेस में आ गया हूं। अरे पर मेरे पास तो मात्र 1 घंटा है, मैं जा भी नहीं सकता फ्लैश के पास पूछने के लिए, अब मैं क्या करूं? ओ ये कौन है यार, और तुझे क्या लगा तू मेरे पीछे से आके मारेगा और मैं मर जाऊंगा? तुझे पता भी नहीं है मेरे पास कितना ज्यादा पावर है। गाइस लगता है कि यही है रिवर्स फ्लैश, और भाई ये क्या कर रहा है, ये मेरे को भाई चक्कर दिला रहा है, ये क्या कर रहा है? गाइस अपने को ना इसको ठोकना पड़ेगा और बदला लेना पड़ेगा फ्लैश का, क्योंकि फ्लैश ने हमारी जान बचाई है, तो एक मुक्का तो बनता है गाइस इसको। अरे यार रुक जा, तुझे मैं बताता हूँ। अरे गाइस ये बहुत ज्यादा स्पीड चल रहा है, ओ भाई साहब ये तो आर पार हो जा रहा मेरे। अरे यार इसके हर पंच से मैं स्लो होता जा रहा हूँ, लगता है ये मेरे बॉडी से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है ये। गाइस हमें इसे दूर रख करके फाइट करनी पड़ेगी, अगर इसके पास गए तो ये हमारी सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। ओ गाइस ये क्या कर रही है, और तुझे बताता हूँ मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं 5 साल से डायरेक्ट प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुझे हराने के लिए। गाइस मुझे लगता है मैं थोड़ा वीक होता जा रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो गाइस इसे जल्दी से जल्दी हमें मारना पड़ेगा। तुम लोगों ने अभी तक लगता है लाइक नहीं ठोका, जल्दी से लाइक ठोको जैसे मेरे में पावर है और मैं इसको बीट कर सकूं। अरे यार ये मेरे पूरे शरीर को पार्टिकल्स में तोड़ रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। गाइस गाइस एक काम करते हैं, इसकी सारी पावर इसके गर्दन पे है, इसका गर्दन ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। गाइस चलो जल्दी से इसके पीछे प्यार से जाते हैं, उसके बाद इसको मारते हैं। गाइस हमें जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ओ
भाई साहब मैं मिस हो गया, इस बार तो पूरा का पूरा गया ये। गाइस फाइनली ये मर चुका है। अरे यार अब हमें जल्दी से एंटीडोट खोज करके यहाँ से निकलना है, अगर देर होगा तो मेरी सारी पावर खत्म हो जाएगी और फ्लैश भी मरा जाएगा। बट गाइस यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा हूँ। गाइस देखो वहाँ पे चिंगारी उठ रही है, मुझे तो लगता है कि वहीं पे एंटीडोट रखा है। तो चलो गाइस जल्दी से वहाँ पर चलते हम लोग। अरे यार देखो वहाँ पे कुछ बोतल में तो रखा हुआ है, मुझे तो लगता है कि यही एंटीडोट है। मेरे ख्याल से यही होगा। गाइस चलो जल्दी से इसको लेते हैं और अपने फ्लैश के पास पहुँचते हैं। मास्टर देखो मैंने कहा था ना मैं रिवर्स फ्लैश को हरा दूंगा, ये रहा आपका एंटीडोट। अरे हाँ बच्चे, और वो भी तू टाइम पर आ गया, अगर तू थोड़ा सा और देर किया होता तो मैं मर जाता यहाँ पर। तो